हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइसर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो जिस टॉपिक का नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सीख गए, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख गए, तो आगे आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि सीईटी में 90% चांसेस यहां से रहते हैं कि कम से कम दो क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, कम से कम दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा, और प्लस बोर्ड्स और सीईटी का भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, अपने इन दो क्वेश्चंस के लिए इस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ना है जितना आज तक आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स में सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसके बाद रोलिंग मोशन वाला कंसेप्ट, बस ये तीन टॉपिक इतना अच्छे से पढ़ लो कि सीटी में आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म पक्के हो जाए। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, यहां पर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ने के पहले मैं आपको एक इसका जो ऊपर से बात है ओवरऑल भावार्थ है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, अब तक हमने जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, या तो सेंटर ऑफ मास से पास होता था या फिर उसके अबाउट डायमीटर पे था। ठीक है, मतलब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके सेंटर में कहीं ना कहीं इंक्लूड था वो। ठीक है, बट अगर हमें ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर ऑफ मास के पास ना होता हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। लाइक जैसे कि आपका जो टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 डंबल वाला क्वेश्चन, वो भी इसी थ्योरम पे बेस्ड है। बढ़िया सवाल है, वैसे भी आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 11 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 2 ही 3 ऐसे हैं क्वेश्चंस जो सीटी के लेवल के हैं, वरना अनसॉल्व में इतने खास क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो, किसी भी ऐसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास ना होकर कहीं और पे एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ हो, तो उसको किससे निकालेंगे? हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज कि यहां पर मेरा कोई एक रैंडम बॉडी दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से रैंडम बॉडी बनाता हूं। ठीक है, लेट सपोज ये कोई रैंडम बॉडी मेरा दिया हुआ है। ठीक है, कोई रैंडम बॉडी दिया हुआ है और अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दे यहां पर। ठीक है, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दे दे यहां पर। अब भैया हमको तो सेंटर से मालूम है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हुआ और प्लेन के परपेंडिकुलर रहा तो वहां पे क्या होगा? मान लो अगर रिंग है तो कितना होगा? एम आर स्क्वायर होगा, और अगर वो अबाउट डायमीटर रहा तो कितना होगा? MR² / 2 होगा। बट मान लो कि ये कोई भी रैंडम फिगर है, अगर डिस्क हुआ, रिंग हुआ, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा कहीं पे दे दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तब वहां पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमको यूज करना है। ये है अपना आई होगा। ठीक है, अब देखो इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके सेंटर ऑफ मास में अपने को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना पड़ेगा। मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना पड़ेगा, जो हमको पता है, जो जिसमें सिर्फ दो केस पॉसिबल है, अबाउट डायमीटर या फिर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, यही दो केसेस पॉसिबल रहते हैं कोई भी एक्स वाई जेड यहां पे अगर फिगर दिया हुआ रहेगा उसके लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये जो मेरे को मिल गया है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, मैं इसको मान लेता हूं आर। ठीक है, सबसे पहले कॉमन बात देखो, ये एक रैंडम बॉडी दिया हुआ था और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ था। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैंने क्या किया? उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया और इसके पैरेलल में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने अपना डाल दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमारे पास होती है। और इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज नोट कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग केवल हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, चाहे मास
या स्मॉल मास या मास m या स्मॉल मास dm का ही क्यों ना ले, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच का। अब इस फिगर से हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ के पहले फॉर्मूला निकालते हैं, इसके बाद में हम लोग प्रूफ देखते हैं। देखो सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ आना भी जरूरी है। तो पहले काम होगा फॉर्मूला याद करना, ठीक है। पहला अपना पहला काम क्या होगा, फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूला याद होते ही प्रूफ तो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, हम लोग एक एक लाइन को यहाँ पे डिकोड करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मीन्स ये आई की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस कहीं पे भी रखा है भाई इसको मैंने, ठीक है। अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू दी व्हाट, इज इक्वल टू दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पहले इक्वल टू का साइन बना लेते हैं भाई, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। ये किसके बराबर होगा, ये अपने ही एक पैरेलल एक्सिस के बराबर होगा, जो कहां से पास होगा, अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब ICOM, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस, ठीक है, क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस मींस एम आर स्क्वायर। आपके टेक्स्ट बुक में एम एच स्क्वायर लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चों, मेरे को आर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूले को मैंने स्टेटमेंट में लिखा और यही आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखना है, यही आपको पैरेलल एक्सिस के स्टेटमेंट में लिखना है। फॉर्मूला क्या है, जोर से बोलिए, अपने जगह पर जहां बैठो वहां पर तेज से बोलिए एकदम, आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको स्टार मार्क दे दो आप लोग, चलो इसको स्टार मार्क दे दो, फाइव स्टार दे दो इसको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इसको लेकर हमको पढ़ने हैं, ठीक है, वो मैं जरा यहां पे ला दूं। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, सबसे पहला स्टेटमेंट, कंडीशन जो होने ही चाहिए, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। क्या बोल रहा है भाई ये, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, दो पैरेलल एक्सिस चाहिए अपने को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वन एक्सिस, सेकंड स्टेट इसका सेकंड कंडीशन, वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस तो कम से कम सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस फिक्स रहेगा बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप लोग चेंज कर सकते हो लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सिस फिक्स ही रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, आप लोग एक काम करो आर कर लो, हमने आर लिया है ना, आर यहाँ पे आप लोग आर कर लो, चलो यहाँ पे आर लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, अगर एक्स्ट्रा एस छप गया तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, चलो बनिया डिस्टेंस आपका, ये बनिया डिस्टेंस, चलो ठीक है, समझ रहे यहां तक, लिख लो फटाफट इसको, लिख लो आप लोग, लिख लो इसको फटाफट, ठीक है बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रूफ के ऊपर, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। चलिए अब आते हैं इसके प्रूफ पर, हम लोग प्रूफ पर, प्रूफ बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट प्रूफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आइए हम लोग अपने प्रूफ को अच्छे से करते हैं। और बच्चों देख लो, नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, मैंने जहां पर मतलब कि वाईएसआर एकेडमी के जो 12th के बच्चे हैं उनके नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे बने बच्चों, उनमें से जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी मैं उसके नोट्स की एक वो मैं उसके नोट्स की पीडीएफ
बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, आप लोग वहां से बच्चों के नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही नोट्स उतने ही अच्छे तरीके से आपको भी बनाने हैं, क्योंकि वाईएसआर एकेडमी फुला पूरा का पूरा एफर्ट डाल रहा है आपके पीछे कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से बेस्ट लेवल का कंटेंट मिले। ठीक है, जो कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ही अपना रोटेशनल डायनामिक्स खत्म होता है, सीईटी के अंदर आपके 314 क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल डायनामिक्स में, सिर्फ और सिर्फ कहां पर, रोटेशनल डायनामिक्स में। और 314 प्लस, समझिए बच्चों, 314 प्लस क्यों, क्योंकि अब तक जो डेटा हमारे पास था वो 2004 से 2022 तक का था, बट 2004 से 2022 तक का था, बट अभी 2023 का पेपर भी हो गया है। ठीक है, 2023 का पेपर क्या हो गया है, हो गया है, उसके जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, और 314 प्लस क्वेश्चन में भी ये आपको 10 पार्ट्स में मिलेगा। मैं चाहता तो एक ही पार्ट में आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, कोई दिक्कत की नहीं, मैं आपको आऊँ 50 क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊं और बोलूं बच्चों सीडी के पीवाईक्यू हो गए, बिल्कुल भी नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। 30 क्वेश्चंस अपना डेली का टारगेट होगा बच्चों, ठीक है, 30 क्वेश्चंस अपना डेली का टारगेट रहेगा, और जिसको हम लोग रीच भी करेंगे, जिसको हम लोग रीच भी करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। चलो देखो यहां पर अब इसका प्रूफ देखना है मुझे। चलिए तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक रैंडम बॉडी ले लेता हूं। ठीक है, मैंने एक रैंडम बॉडी लिया यहां पर, मैंने रैंडम बॉडी लिया, कौन सा रंग दूं इसको, चलो इसको लाल रंग दे देते। चलिए अब लेट सपोज कि मैंने यहां पर एक पॉइंट मास डीएम कंसीडर किया। ठीक है, मैंने यहां पर एक पॉइंट मास लिया जो कि डीएम है। पॉइंट मास क्या बच्चों, यहां पर एक पॉइंट मास डीएम है। ठीक है, अब आपको ना ये स्टैंडिंग में नहीं, लेमिनार में समझना कि ये ना ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है। ठीक है, अभी स्मॉल मास जो डीएम है, और मैं आपको दे देता हूं कि ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ये क्या अपना, ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये रहा अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि ये रोटेट कर रहा है, ये है मेरा आई। अब यहां पर जाहिर सी बात है इसके सेंटर से भी तो एक पास होगा, इसके सेंटर से भी तो एक पास होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई सी ओ एम होगा। ठीक है, जो सेंटर से पास होगा। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है, बस इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है अपने को। ठीक है, इसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है जो कितना होगा अपना आर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये आर होगा। अब आ जाओ, मैंने आपको क्या बोला था, मास डीएम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहना चाहिए। तो एक डिस्टेंस ये हो गया मेरा, इसको स्ट्रेट लाइन लेता हूं, एक डिस्टेंस मेरा ये हो गया। ठीक है, और एक डिस्टेंस मेरा ये हो गया। चलो देखो यहां पर, अब मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस बनने के बाद में मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैं नोटेशन वही लूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओ सी ये मेरा पॉइंट, डी ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक वाले ही नोटेशन लूंगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेशन डेरिवेशन याद करने में। ठीक है, चलिए अब मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट एन, और ये जो ये क्या है मेरा, ये मेरा मास डीएम है। ठीक है, ये क्या है मेरा मास डीएम है। चलो अब आ जाओ, अब इसको भी रंग दे दूं क्या, अब इतना किया हूं तो ये भी कर ही देता हूं, दूसरा रंग दे देता हूं इसको, रंग दे दूं, सफेद नहीं दूंगा, ये रहेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोड़ो जाने दो, वैसे अच्छा लग रहा था तुम्हें,
चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब फिगर को थोड़ा सा हम लोग साइड में कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहां पर अगर मैं यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखना चाहूं, ठीक है, आई लिखना चाहूं, भाई साहब का डिस्टेंस कितना है, ओडी स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, एम आर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर लिखते हैं। देखो फिर से लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, एम आर स्क्वायर लिखता हूं, तो मास कितना है मेरा, डीएम है, मास मास अपना डीएम है, एम आर स्क्वायर मतलब ओडी का स्क्वायर। भैया लेकिन मेरे को तो चाहिए कंप्लीट मास के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, बस इन भाई साहब का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वायर डीएम लिख लिया मैंने इसको अरेंज करके, ये स्टेप में मिटा रहा हूं, आप लोग लिख के रखना, ठीक है। चलो ये मेरा आ गया, ठीक है। चलो अब यहां से अपने डेरिवेशन की शुरुआत होती है, भले मैं आपको ना दिखाई दूं अभी यहां पर, बट डेरिवेशन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाओ, ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम ओडी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, पुट हियर क्या मिल जाएगा मेरे को, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर इंटू डीएम, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। अब देखो ओएन की वैल्यू क्या है मेरे, ओसी प्लस ओएन है, ठीक है, तो यहां पर ओएन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओएन की जगह पे मैं लिख सकता हूं ओसी प्लस सीएन, ओसी प्लस सीएन होल स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, ठीक है, प्लस डीएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, ये क्या हो गया, प्लस डीएन स्क्वायर। चलिए लिखा आपने, पुट हियर क्या मिल गया, ओसी प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक है, ओसी प्लस सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम, का ही प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब आ जाओ, अब देखो, अब मैं यहां पे करता हूं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां पर देखो ब्रैकेट में ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस टू ओ सी इंटू सी एन प्लस डी एन स्क्वायर इंटू डी एम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां पर ये फ्रेम में दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है, देखो यहां पर, यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां मुझको मिल जाएगा ओडी स्क्वायर, पर ये डी है बच्चों, ये डी है, ठीक है, ये मेरे को डीसी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ये मुझको मिल जाएगा डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू डी, डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ओके, डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, फ्रेम में बराबर दिख रहा है आपको। चलो देखो यहां पर, अभी डीएन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर ध्यान देना है, ये मेरा रहा डीएन स्क्वायर और ये मेरा रहा सी एन स्क्वायर, इन दोनों जगह पे क्या मैं डीसी स्क्वायर लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता, किसने रोका है मुझको लिखने से, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओसी स्क्वायर प्लस, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, डीसी स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, डीसी स्क्वायर प्लस टू, ओसी की वैल्यू कितनी है आर, तो 2 इंटू सी एन इंटू आर, ठीक है, 2 सी एन इंटू आर, नाउ ब्रैकेट क्लोज, इंटू डीएम, इंटू डीएम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, अब इंटीग्रेशन और डीएम सबके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जीरो बनने वाला है, और 90% बच्चों को वो टर्म जीरो क्यों बनता है वो समझ में नहीं आता, तो वो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आप वाईएसआर के बच्चे हैं, आप लोग रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ओसी स्क्वायर डीएम प्लस ओसी स्क्वायर डीएम प्लस, यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, डीसी स्क्वायर डीएम प्लस, टू सी एन कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, टू सी एन इंटीग्रेशन ऑफ
आरडीएम। अब देखो ये तो मेरा क्या बन गया, मेरे को देखो ओसी, ठीक है ओसी आर स्क्वायर डीएम, ये तो एम आर स्क्वायर बन गया मेरा, और ये डीसी स्क्वायर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आईसीएम का, तो ये आईसीएम बन गया। तो इतना पार्ट तो मेरा हो गया, बट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं काम करता हूं लिख लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ भाई साहब क्या है, आर स्क्वायर डीएम है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर डीएम, ठीक है, प्लस टू सी एन इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम। चलो अब आ जाओ आर स्क्वायर बाहर निकाल लो यार, यहां क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या मिल जाएगा यहां पर अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मिल जाएगा प्लस ये क्या है मेरा, एज इट इज रखो, सबको लास्ट में हम लोग चेंज करेंगे, डीसी स्क्वायर डीएम, डीसी स्क्वायर डीएम प्लस टू सी एन इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डीएम। चलिए बच्चों आई इक्वल्स टू यहां पे लिख लो, आई इक्वल्स टू चेंज करो यहां पर, थोड़ा शिफ्ट करोगे इसको मैं, या फ्रेम में दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों फ्रेम में एकदम ना क्लियर दिख रहा है। चलो देखो यहां पर क्या मिल गया मेरे को, देखो I इक्वल्स टू, ठीक है I इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम, तो यहां पे क्या मिल गया मेरे को एम आर स्क्वायर मिल गया, एम आर स्क्वायर प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा, देखो डीसी, डीसी सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्टेंस है ये डीसी स्क्वायर इंटू डीएम, ठीक है, तो यहां पे क्या मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सी ओ एम, ठीक है ये मिल गया। बट इस टर्म का मैं क्या करूं भाया, इस टर्म का मैं क्या करूं जो ये एक्स्ट्रा टर्म मेरे साथ में आ गया है, क्या लिखा हुआ है 2CN इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम। अब बताओ बच्चों इस एक्स्ट्रा टर्म का मैं क्या करूं, इस एक्स्ट्रा टर्म का मैं क्या करूं, थोड़ा इनको भी छक्का दो क्या। चलो देखो अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनना कि ये टर्म तो होता है अपना जीरो, ये टर्म तो होता है अपना जीरो, बट ये जीरो क्यों होता है देखो, ठीक है बट ये जीरो क्यों होता है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ये जो डिस्टेंस है कहां से है, सेंटर ऑफ मास से निकाला गया है डिस्टेंस, ठीक है कहां से निकाला गया है, सेंटर ऑफ मास से निकाला गया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस निकाला गया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से जितने पॉइंट्स होते हैं ठीक है सरफेस के ऊपर क्या होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं वो सारे पॉइंट्स, और वहां पे जो एरिया होता है वो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब यहां पे मैं इतने टर्म को सिर्फ बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है मैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डीएम को बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम को मैंने बाहर निकाला बच्चों, अब क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है ना 2cn, कुछ नहीं करना उसको, मैंने मास को नीचे क्या क्या किया डिवाइड किया और यहां मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है मैंने क्या किया मास को नीचे डिवाइड किया और मास को नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये टर्म क्या बन गया मेरा बच्चों, ये टर्म ध्यान से देखना बच्चों, ये टर्म मेरा क्या बन गया, ये टर्म नथिंग बट मुझे क्या दिखा रहा है, सेंटर ऑफ मास दिखा रहा है ना, फॉर्मूला क्या था एम आर प्लस एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस कितना था वहां पर एम एन आर एन अपॉन एम, ये वो नहीं दिखा रहा मेरे को, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन मास, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन मास, वही तो दिखा रही है मुझको। अब यहां पर देख लो ये क्या बन गया मेरा, सेंटर ऑफ मास बन गया है। अब एक बात बताओ जो डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर रहा हूं ये भी सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं वो भी सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही कैलकुलेट कर रहा हूं भैया, समझ गए, मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही कैलकुलेट कर रहा हूं। तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा डिस्टेंस तुमसे कितना होगा, जीरो होगा, मेरा डिस्टेंस इस
पॉइंट पे मैं जहां पे अभी हूं वहां से कितना होगा, जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, जीरो होगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो। क्या बन जाएगा मेरे लिए, जीरो बन जाएगा ना पूरा का पूरा टर्म। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं ना इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो अपने को, ठीक है। प्रूफ अपन आराम से लिख ले, ठीक है। चलो ये टर्म क्या बन जाएगा मेरे लिए, जीरो बन जाएगा, मतलब दिस टर्म विल बी नलिफाइड। तो क्या बचा मेरे पास, रीअरेंज करके लिख लो, आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम? देख लो, इसमें कंफ्यूज मत होना, टेक्स्ट बुक में जो लाइन दिया मे बी आपको वो कंफ्यूज कर दे। ये जो डिस्टेंस है ये आर इंटू डी एम, जब मैंने मास को डिवाइड कर मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मालूम पड़ा, भैया ये तो सेंटर ऑफ मास निकला, भाई साहब ये तो सेंटर ऑफ मास निकला। और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जीरो होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, कहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। कहां से, सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, जीरो होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये मुझको मिल गया, बस अब आइए दो मिनट लीजिए, इसको फटाफट लिखिए, आप लोग लिखिए इसको फटाफट लिखिए। लिख लिया बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ, अब बढ़ते हैं थोड़ा से सवालों के ऊपर, ठीक है बच्चों। मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाऊंगा, मैं आप सबके लिए एक शीटी की शीट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। मे बी जहां तक मुझे अंदाजा है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 160 प्लस पहुंचे हैं मेरे काउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि शीट अभी बन रही है, क्योंकि चैप्टर अभी अपना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ तो शीट अभी बन रही है। हाँ, बट ऑफलाइन में जो भी है सीडी के लेक्चर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो वहां पे तो प्रैक्टिस पहले हुई जाएगा, बट आपको जो कंटेंट है वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, और जो शीट मैं आपको दूंगा वो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, आज मैंने आपके लिए एक शीट और प्रिपेयर की है, उस शीट के अंदर देखिए बच्चों मैंने 50 एमसीक्यू रखे हैं बोर्ड के लिए, ठीक है 50 एमसीक्यूज रखे हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में केवल 5 एमसीक्यूज हैं और बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। मे बी बोर्ड के एमसीक्यू आपसे बनने चाहिए, बोर्ड के एमसीक्यू आपसे बनने चाहिए, टेक्स्ट बुक के 5 पढ़ के हमारा कुछ नहीं होगा। तो जो 50 एमसीक्यू मैंने आपको दिए हैं उस 50 एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसकी एक सॉल्यूशन वीडियो भी आएगी, बट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने के 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग खुद से सॉल्व करो। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है कमेंट सेक्शन में, मेरे किसी भी वीडियो में जाके नीचे कमेंट कर दो कि सर पीडीएफ हमने सॉल्व किया, हमसे इतना इतना क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन में हमको डाउट है। हालांकि सॉल्यूशन तो मैं सबका लूंगा, बट उनके मैं उन सारे क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगा, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए। 50 क्वेश्चंस के साथ में मैंने 25 न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं, ठीक है बच्चों, 55 क्वेश्चंस के साथ में मैंने 25 न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं, वो भी ऐसे न्यूमेरिकल्स जो टेक्सुअल नहीं है। टेक्सुअल तो मैंने जो 10 11 है वो तो उनमें से 4-5 ही रखे हैं, बट बाकी सारे ऐसे हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, बोर्ड्स के पैटर्न के है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 75 क्वेश्चंस बन जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड सी फॉर दी न्यूमेरिकल्स एंड बोर्ड्स एमसीक्यू। और सीटी वाली शीट तो मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा ना बच्चों, सीटी के क्वेश्चंस आपके लिए हलवा बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहला केस बच्चों हमने रिंग का लिया है। रिंग माने क्या, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पर ये रिंग लिया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर रिंग लिया हुआ, मैं रिंग ऐसा लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। ये मैंने रिंग लिया हुआ है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने दे दिया इस पॉइंट पर, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इस पॉइंट पर दिया हुआ है, बस। अब इस पॉइंट पे जब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जब इस पॉइंट पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मुझे बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अरे भाई साहब, हम क्या ही बताएं आपको कि भैया ये तो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर रिंग की बात कर रहे हैं, मुझे रिंग के बारे में 2 केसेस पता है, या तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या फिर वो अबाउट डायमीटर हो, इन द प्लेन हो, ठीक है।
बट यहां पे वो दोनों केसेस नहीं लगा सकता, इसलिए हमको किससे जाना होगा, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अरे भाई साहब तुम कहां आ रहे हो, हमको किससे जाना होगा, ये क्या हो रहा है, दो मिनट, हमको किससे जाना होगा, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब ध्यान से देखना कि पैरेलल एक्सिस का सबसे पहला कंडीशन क्या था, टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल एंड वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। बस यहां पे एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से क्या होगी, पास होगी, क्या होगी, पास होगी, एक एक्सिस यहां पर क्या होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होगी, और एक ऐसी एक्सिस, ताकि थोड़ा रियल, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए ना हमको, पास, इसीलिए। चलो तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा आई सी ओ एम, क्या है, आई सी ओ एम है, इसका रंग चेंज कर दो, थोड़ा ग्रीन कर दो, मजा आवे देखने में, ठीक है। चलो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है मेरा, आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई साहब का, एम आर स्क्वायर है, प्लस, और ये आर क्या होता है बच्चों, ये आर होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो इसके रेडियस के बराबर है, तो कितना मिल जाएगा ये मुझे, ये मुझको एम आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो कितना आ गया ये, टू एम आर स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, टू एम आर स्क्वायर आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले केस के ऊपर हम लोग, ठीक है, बढ़ते हैं अगले केस के ऊपर। चलिए टू स्पीयर्स है, चलिए मैं पहले दो स्पीयर्स बना लेता हूं, ठीक है, टू स्पीयर्स है, सॉलिड स्पीयर्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्पीयर्स हैं, सॉलिड स्पीयर का थोड़ा थ्री डायग्राम निकाला जाएगा, आ जाओ थोड़ा सा थ्री डायग्राम इसका निकाला जाए, कहाँ पे जाया जाए, हाँ यहाँ पर, ये मैथ्स वाला सेक्शन है, ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक करने का ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है, सब्जेक्ट कस्टमाइज ब्लैक, चलो ब्लैक हो गया, ये रहा अपना स्पीयर और ये रहा मेरा एक स्पीयर, ठीक है, अपना केस कौन सा यहाँ पे, टू स्पीयर्स वाला, टू स्पीयर्स वाला केस है अपना, ये रहा अपना एक स्पीयर और ये अपना यहाँ पर दूसरा स्पीयर, भाई साहब का रंग चेंज कर दो थोड़ा सा और इनका भी रंग चेंज कर दो। चलो देखो अब बात ये है ना बालको कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको दिया है, ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, चलिए ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आई। अब रही बात स्पीयर की, हम लोग करें तो करें क्या भाई, स्पीयर के साथ करें तो करें क्या, इसका तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई का, कि मान लो जैसे कि एक पेंसिल ले लो और उसके साइड में दो स्पॉन्ज के गेंद आप लोग चिपका दो, उसको घुमाओ, ठीक है, तो इसके बीच कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, सबसे पहले मैं स्पीयर वन का लेता हूँ और मेरा स्पीयर टू है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पीयर वन के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता हूं, स्पीयर वन के सेंटर ऑफ मास से क्या करता हूं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करवाता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में स्पीयर टू से भी सेम काम करता हूं, मैं स्पीयर टू से भी सेम काम करता हूं कि इसके भी सेंटर ऑफ मास से क्या क्या करता हूं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करवाता हूं, कौन सा, सेंटर ऑफ मास वाला आई सी ओ एम, ये भी क्या है मेरा आई सी ओ एम है। अब ध्यान देना, अब एक बात ध्यान देना आप लोग कि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक टाइम पे एक ही के साथ लगा सकता हूँ, दूसरे के साथ नहीं लगा सकता, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा आर
और इसके साथ वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसके साथ वाला डिस्टेंस भी क्या होगा मेरा, होगा आर, क्या होगा आर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार एक ही के साथ यहाँ पे अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसके साथ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पहले वाले के लिए आई इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर कितना है सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पीयर का, बताया ना मैंने आपको 2/5, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, कितना बन जाएगा ये, 5 को यहां पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एम आर स्क्वायर प्लस 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 5 कितना बन जाएगा ये 7/5 एम आर स्क्वायर, कितना बन गया बच्चों ये 7/5 एम आर स्क्वायर। मान लो ये मैंने किसके लिए निकाला है, स्पीयर 1 के लिए निकाला है, ठीक है, स्पीयर 1 के अबाउट निकाला है मैंने इसको। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, मैं सेकंड वाले के लिए भी तो यही सेम कैलकुलेशन करूंगा, मैं जब सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, सेकंड वाले के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट किससे निकालूंगा मैं, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जाहिर सी बात है ना भैया, जो मेरा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका दुगुना होगा, क्योंकि बगल में भी तो सेम ऑब्जेक्ट है, तो आई इक्वल्स टू 2 × 7/5 एम आर स्क्वायर कितना बन जाएगा ये आंसर आपका 14/5, कितना बन जाएगा ये 14/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो, फटाफट लिख लो इसको, लिख लो एकदम बढ़िया से, चौचक वाला बवाल मचा दो एकदम, भौकाल मचाओ एकदम, फिजिक्स ऐसे पढ़ो कि कभी जीवन में भूलो ही मत। ठीक है, चलो लिख लिया, अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। देखो सीटी ऐसे टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है, सीटी ऐसे टाइप का सवाल पूछता है, और आज हम लोग यही टाइप का सवाल करने वाले हैं, तो धीरज रखिएगा। चलिए आइए, सवाल क्या लिखा है देखिए, थ्री यूनिफॉर्म डिस्क, तीन यूनिफॉर्म डिस्क लिए मैंने, थ्री यूनिफॉर्म डिस्क ईच ऑफ मास एम, चलिए भैया सबका मास एम है एंड रेडियस आर, सबका रेडियस आर दिया हुआ है, केप्ट इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में रखे हुए सबको हमने, ये थोड़ा ज्यादा कॉन्टेक्ट में हो गए, ठीक है, केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, विद ईच अदर, अरे ये क्या हो गया, विद ईच अदर एज शोन इन फिगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए बी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए बी, ठीक है, इसके अराउंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलिए अब पहली बात क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई साहब, ये तो हमारा डिस्क है, ठीक है, अब भाई जब ये डिस्क है और ध्यान से देखो डिस्क है, सेंटर से पास नहीं हुआ है, अबाउट डायमीटर दिख रहा है अपने को, ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये अपने को अबाउट डायमीटर ही दिख रहा है, तो ध्यान रखिए इन दोनों से भी तो एक एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा हमको, इनके सेंटर ऑफ मास से भी तो एक एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, तभी तो अपना आंसर आएगा, तभी तो क्या आएगा बच्चों अपना आंसर आएगा। कितने स्पीयर दिए गए हैं यहां पर, 1, 2 और 3, पहले स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, नेट मुझे क्या मिल जाएगा, नेट मुझे मिल जाएगा टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, I1 + I2 + I3 मिल जाएगा। भैया I1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, भैया I1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इसको नीचे लिखता हूं जरा, I इक्वल्स टू I1 + I2 + I3, ठीक है, I1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं मैं, डिस्क है अबाउट
डायमीटर है, क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय फोर होगा ना बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय फोर होता है क्योंकि डिस्क अबाउट दैट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, जो सेंटर से पास होता है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, वहां पे क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, लेकिन भाई साहब क्या हो रहा है अबाउट डायमीटर है तो ये एम आर स्क्वायर बाय फोर होगा। अब बचा अपना आई टू एंड आई थ्री, और हम सबको पता है, मुझको पता है, तुमको पता है, क्या पता है कि I2 और I3 क्या होंगे, बराबर होंगे। I2 जो मिलेगा मेरे को वो उसको I3 में मल्टीप्लाई करना होगा, और ये कैसे मिल जाएगा मेरे को, मैं मान के लेता हूं कि I2 और I3 किसके बराबर है, I0 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है बच्चों, I0 के बराबर है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझको निकालना है, क्या निकालना है मुझको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे मिल जाएगा, I0 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ICOM प्लस MR स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है यहाँ से R है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से R है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है, ये बराबर है MR स्क्वायर बाय फोर के, किसके बराबर है ये MR स्क्वायर बाय फोर के बराबर है ना, अबाउट डायमीटर ये भी डिस्क है मेरे भाई, और ये क्या है मेरा, ये MR स्क्वायर है, ठीक है MR स्क्वायर कितना मिल जाएगा, MR स्क्वायर प्लस फोर MR स्क्वायर कितना मिल जाएगा, फाइव बाय फोर MR स्क्वायर कितना मिल जाएगा, फाइव बाय फोर MR स्क्वायर, कुछ नहीं करना है भाई, जब इन दोनों की वैल्यू सेम है, एक की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, है यहाँ पे आके दो से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, बस इसको वही मल्टीप्लीकेशन तो देना है हमको, चलो दे दो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस आई टू की वैल्यू और आई थ्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टू इंटू फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर, फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर, गलती से काट मत देना बच्चों, बेस सेम है, हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, नीचे फोर, नीचे फोर मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस फाइव टू जो टेन, टेन एम आर स्क्वायर, आंसर कितना मिल जाएगा, इलेवन बाय फोर एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, क्या है मेरा ऑप्शन नंबर ए, मेरा करेक्ट आंसर है, क्या बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, देख लो इसको फटाफट देख लो, लिख लो इसको, चलो लिख लो, तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो बच्चों मैं इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दूंगा, जिससे आपके बोर्ड्स की प्रैक्टिस, सीटी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी और दमदार बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा अबाउट वाई एंड वाई डैश नहीं है ना, ये वाई है और ये मेरा ढंग से लिख देता हूँ, ये है वाई और ये है मेरा वाई डैश, क्वेश्चन पढ़ोगे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर रिंग्स each of mass m, four rings each of mass m, four rings each of mass m radius r, इनका सेंटर कहाँ है भाई, इनका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है four rings दिया हुआ है, रिंग है ध्यान रखना रिंग है, ठीक है each of mass m and radius r and radius r are arranged as shown in the figure, the moment of inertia of the system about the axis, the moment of inertia of the system about the axis, इसके around moment of inertia कितना होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, rings को number दे दो, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4 मैंने number दे दिया है, जाहिर सी बात है 1 और 4 मेरा क्या होगा moment of inertia बराबर होगा, काहे को, अरे भैया अबाउट डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो सिस्टम का तो क्या लिख सकता हूं मैं, देखो सिस्टम का क्या लिख सकता हूं मैं, सिस्टम का क्या लिख सकता हूं मैं, सिस्टम का मैं लिख सकता हूं I1 equals to I4, ठीक है I1 equals to I4 मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, वेट बच्चों मोबाइलों का बहुत बज रहा है मेरा, ठीक है थोड़ा इसको हम साइलेंट कर दे, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है, आ जाओ I1 और I4 की वैल्यू बराबर होगी, अबाउट डायमीटर है तो I1 और I4 कितने मिल जाएंगे भाई साहब, ये मुझको कितना मिल जाएगा I1 और I4 की वैल्यू, ये मेरी वैल्यू होगी MR स्क्वायर बाय 2, तो सेम I4 की वैल्यू भी क्या होगी
एम आर स्क्वायर बाय टू। अबाउट डायमीटर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है। तो सिस्टम का कितना मिल जाएगा मेरे को, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर। ठीक है, अब आई वन और आई फोर का सेम है तो इनका एक ग्रुप बना लो, आई वन प्लस आई फोर का, और किसका सेम है, आई टू और आई थ्री का सेम होगा, किसका सेम होगा, आई टू और आई थ्री का सेम होगा। लेकिन भैया इनका मिलेगा कैसे हमको, इनका मिलेगा कैसे वो तो बताओ, यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज वाला पार्ट है। कुछ नहीं करना बाल को, इसके पैरेलल में सेंटर ऑफ मास से क्या करो, एक एक्सिस पास ऑन करो, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस क्या करो, यहां से पास ऑन करो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से इसके एक एक्सिस पास ऑन करो। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दोनों का, आर आर डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करना है हमको, जब ये आर आर डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये भैया पैरेलल एक्सिस से हम से निकालेंगे ना, हम इनको मान लेते हैं भैया ये आई नॉट के बराबर है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, एम आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट डायमीटर, एम आर स्क्वायर बाय फोर, क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर, प्लस करने पे कितना मिल जाएगा, ये फोर वन फोर प्लस वन फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया, तो यहां से मेरे को आई टू की वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी ना, आई टू की वैल्यू क्या होगी मेरी, फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर, कितनी होगी, कैंसिल हो जावे, फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर होगी, और आई थ्री की वैल्यू क्या होगी सर, फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर होगी। चलिए, सबकी वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या दो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं, टू इन टू एम आर स्क्वायर बाय फोर, सॉरी एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय, अरे ये एम आर स्क्वायर बाय फोर कर दिया क्या मैं, नहीं 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 ये फोर नहीं आएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास अबाउट डायमीटर है ना, ये एम आर स्क्वायर बाय टू आएगा, क्या आएगा ये, नोट्स में चेंज कर लो, कोई अगर लिख लिया होगा कोई बात नहीं है, ये एम आर स्क्वायर बाय टू आएगा, तो ये फाइव बाय टू एम आर स्क्वायर बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, फाइव बाय टू एम आर स्क्वायर अपना बन जाएगा। ठीक है, लिख लो इतना पहले आप लोग लिख लो, ठीक है लिखा, चलो ये अपना क्या बन जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस होगा, ये एम आर स्क्वायर बाय टू होगा, फिर कहां गया, लिखो क्या, खुद से सॉल्व भी कर लो यार अब बाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर ये चेंज हुआ तो वहां से ये भी चेंज होंगे अपने, ये भी क्या होंगे, चेंज होंगे ना, कितना बन जाएगा, अब ये थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर बन जाएगा ना भैया, अब थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर भी थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, देखो टू इन टू थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, यहाँ पे टू से टू क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे टू से टू क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस थ्री एम आर स्क्वायर, कितना मिल गया आंसर, फोर एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज मार के लिख लो, लिख लिया क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है बच्चों, लिख लिया क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो इतना बढ़िया सवाल हमने किया, मैं थोड़ा साइड में हटता हूँ, सवाल देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, और सीधी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता है, कभी हॉलो स्फीयर होता है, कभी रिंग होता है, कभी डिस्क होता है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय टू है, और ये जो एम आर स्क्वायर बाय फोर है डिस्क का, इसमें क्या होता है मालूम है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये सब निकाले जाते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से, जो मैं आपको निकाल के बताऊंगा जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो थ्योरम सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे और क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज आएगी, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी हम लोग लगाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में
इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे जिसके अंदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों यूज होंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत ही जल्द आपके टेक्सुअल सॉल्यूशन का अनसॉल्व सॉल्यूशन भी आएगा, एक एक क्वेश्चन बड़े डीप में घुस के मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा रोटेशनल डायनामिक एकदम खत्म कर दोगे। बाय गॉड बच्चों, एक डाउट आपका यहाँ पे बचने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहो, खुश रहो और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब फैमिली को फैलाते रहो। चलिए बाय।